जो जो शब्द पिछाणिया भाई वहां का सरिया काज सेल शब्द दो ही एक है ज्या की करड़ी धार सेल अटक जहाज में यो शब्द आर को पार। देखो शब्दों अगर मंदोदरी का शब्द रावण सुन तो लंका को नाश न हो तो उसियानी तुलसीदास जी महाराज एक अनपढ़ गंवार है लेकिन वहां की पत्नी का बोल वहां का कार्य में लग गया। एक महान कवि बनिया कशन बनिया देखो सुनो भजन में रूप की खान थी रत्नावली वहां की पत्नी को नाम जो रत्ना देवी रूप की खान थी रत्नावली आज तुलसी को बना गई ज्ञान की रत्नावली ये तुलसी जी की गुरु लुगाई भको निर्मल भयो सरी तुलसी जी की गुरु लुगाई भको निर्मल भयो सरी वहां की शादी हुई एक रत्ना देवी से हाथ में कामड़ी कांधे कामड़ी हाथ में लकड़ी तुलसीदास जी गए चढ़ा था वहां की पत्नी बड़ी परेशान एक मिनट भी वहां की पत्नी के बिना में कौन रहता। वहां की पत्नी कहती पति देव थोड़ा बहुत भगवान को भजन भी करो कोई काम काज में ध्यान दो। तुलसीदास जी नाम ही वहां की पत्नी को ही रहता। एक दिन की बात वहां की पत्नी बोली कब मैं मारे पीर जाऊं। तुलसीदास जी बोले तारे पीर जाए तो मुई चालू वाक्य बला की पति देव थी मैंने आज्ञा दियो मैं तीन दिन में बचिया जाऊं। तो तुलसीदास जी बोले तीन का चार दिन मत कर जी बात हूं चौमासा का दिन अब क्या बला गया तुलसीदास जी एजिते पीवर ये जायावो थकी माता शिव मिले आवो तुलसीदास जी की पत्नी वहां पीर आ गई
अब तुलसीदास जी महाराज शाम को समय बरसात बरसरी आधी रात को समय मैंने नींद को नाई। तुलसीदास जी विचार लगाए चलो अब आबारी शास्त्र ही चला रवाना हो गया। खांदे कामली आग में लकड़ी ले रास्ता के मायने एक नदी आती नदी के मायने पानी आ रही हो। तुलसीदास जी नदी का किनारा आ गया विचार लगाए नदी घन पार करा तो योग संजोग की बात वो नदी का मायने एक मरेड़ो आदमी बेतो बेतो हरियो। तुलसीदास जी महाराज वो मरेड़ा आदमी पे बैठ गया कि यार नाव छोकी मिल गई नदी यूं पार करा पा मुर्दा पे बैठ और नदी पार करी। तुलसी नदी किनारे अब नदी में बैठो मुर्दो तुलसी अलिया गलिया में डोले आदि में तिवारी कुण खोले मेड़ी पे खिड़की खुल दी मायने चमनी को उजाड़ो और वो खिड़की में एक मणिदारी सांप लटक रहे। तुलसीदास जी विचार लगायो कि नदी में भी साधन मिल गयो ने भी साधन दिया रही जिक्की मार खुला बाकी जुड़ती बोल उस सांप ने पकड़ और तुलसीदास जी महाराज ऊपर चढ़ बला गया। तुलसी चारू मेरा भटके खिड़की मन आगे एक लटके I'm not afraid of the dark.
तुलसीदास जी महाराज नाग ने पकड़ ऊपर चढ़िया, माजी पत्नी भी ऊपर सूती, सूती ने जगाई, माजी पत्नी जागर बड़ी घबरा गई, मन में पूछ लगी पति देव की अंधारी रात में बरसती बरसात में ते कशन ने पूछा। तुलसीदास जी बोलिया मन कई दिक्कत ना आई, थोड़ी परेशानी बरसात की आई, नदी का मायने साधन न मिलो, मन एक नाव को जुगाड़ बैठ गई बैठ रहा मन ध्यान को बलड़ो आदमी छो के किवाड़ कौन खोले किवाड़ खोलवा की जरूरत भी नहीं है, राष्ट्र नगरी जी ने पकड़ रखी हूँ मैं। अब मजी पत्नी जाग रही और सांप ने देख विचार लगायो कि हे पति देव थाने यो ही मालूम न पड़ियो थे मारा वियोग में तेरा पागल हो कहियो सांप है या रास। तो देखो एक जयपुर वाटी लाइन सुनाऊं कहानी में, मजी पत्नी कल्पना करवा लगी अरे बावड़ियो बलम हमारा भाग में लिखियो, बावड़ियो बलम हमारा भाग में लिखियो, जिन मणिदारी सांप भी को न डसो बावड़ियो बलम हमारा भाग में लिखियो, देखते ही घबराई और देवला की पति देव चलो। तुलसीदास जी बोलिया हे रत्ना मैं थारे बिना जी कौन सकूं, दोनी जना रवाना मैं तुम्हारी पत्नी के बला की अरे तिलिया जागी करके आई मनहाग देख घबराई, तिलिया जागी करके आई मनहाग देख घबराई, मरते हो काम क्रोध मद लोभ मोह को क्यों नहीं तुम तजते हो, जितना है तुम मुझसे है उतना राम से हो, चला जात बेकुंठ में पल्ला न पकड़े कोई। तुलसीदास जी ने बोल मारे वाजी पत्नी, तुलसीदास जी महाराज के बोल काल जी छुपया लकड़ी कामड़ी पटक दी वाजी पत्नी का चरण में और केवल आगे आज से तुम्हारी पत्नी नहीं मारी अर्धांगिनी को तुम्हारी माँ छे, अपनी पत्नी ने माँ को दर्जो दियो। तुलसी लकुटी कमर छिटका वरतना ने माता के बतलावे राम भजन में डोरी लगाई
रामायण का रचयिता श्री रामचरितमानस का रचयिता तुलसीदास जी महाराज होया। अब एक निर्गुणी भजन ही हो कि भक्ति में शक्ति है लेकिन भक्ति में दुख घना। भगवान जी ने भी तैयार देखो, राजा मोरदस ने तैयारियों तो अपना बेटा ने कटवा दियो, राजा हरिश्चंद्र ने तैयारियों तो बन्नी के घरे पानी भरवा दियो, नरसिंह भगत ने तैयार तो घर घर भीख मंगवा दी, मीराबाई ने तैयार तो कितना दुख दिया, भक्त प्रहलाद ने तैयार डोंगर से गिरवायो। भगवान तो देखो भक्ति की बात बताई है, अरे भक्ति में गणा बखेड़ा बल छह खंडा की धार, भक्ति में गणा बखेड़ा वो छह खंडा की धार, भक्ति में गणा बखेड़ा रे छह खंडा की धार। अमृत